नमस्कार दोस्तों, गेम न्यूज में आपका स्वागत है। कैलिफोर्निया में स्थित है दुनिया का सबसे डरावना घर में से एक। पूरी दुनिया में अपनी कहानी के लिए मशहूर विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस को अमेरिका का सबसे डरावना घर कहा जाता है। इस घर के कहानियों के सामने हमारे देश के कहानियां आम किस्से जैसे लगते हैं। ये घर बंदूक माफिया विलियम वर्ट विंचेस्टर की पत्नी सारा विंचेस्टर ने बनवाया था। कहा जाता है कि सारा ने ये घर खास भूतों के लिए बनवाया था और इसके लिए इन्होंने बहुत सारे कमरे बनवाए थे। साल 1884 में इस घर का काम शुरू हुआ था और ये घर का काम सालों सालों तक चला। घर की मालकिन सारा के बारे में कहा जाता है कि वो भूतों के साथ बात भी कर सकती थी। उन्हें रात में अक्सर एक खास कमरे में देखा जा सकता था क्योंकि वो भूतों के साथ बात करती थी। सारा ने इस कमरे को खास खुद डिजाइन किया था जिसमें उन्होंने मकड़ी के जाल जैसे खिड़कियां बनवाई थी। वो खुद हर रात अलग अलग कमरे में सोती थी ताकि किसी को उनके बारे में पता ना चल सके। ये घर वाकई में काफी अजीब है। यहाँ कई ऐसे दरवाजे या खिड़कियां हैं जो नहीं खुलते हैं। कमरे के अंदर छोटे छोटे कमरे बनाए गए थे और कई सीढ़ियां ऐसी भी थी जो शुरू होते ही खत्म हो जाती थी। वहीं वेस्टर्न कल्चर में अशुभ माने जाने वाले 13 नंबर को इस घर में सही तरीके से इस्तेमाल किया गया था, जैसे कि कई सीढ़ियां का स्टेप सिर्फ 13 थे और कई खिड़कियां के सिर्फ 13 पैनल थे। घर के बारे में एक और कहानियां मशहूर है। इसके अनुसार सारा को पति की कंपनी विंचेस्टर राइफल्स की बंदूकों से मारे गए लोगों से डर था। उन्हें लगता था कि उनकी आत्माएं उन्हें परेशान करेंगी, इसलिए वो सालों सालों तक घर बनवाती रही। घर में काम चालू रहने से उन्हें लगा कि ये आत्माएं उन्हें परेशान नहीं करेंगी और वो आराम से अपनी जिंदगी बिता सकेंगे। इस घर में कुल 161 कमरे हैं जिसमें से 40 केवल बेडरूम है। 4.5 एकड़ में फैला ये स्थापित घर आज एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन हो चुका है। आज भी लोग यहाँ घूमने आते हैं तो तरह तरह आहटे महसूस करते हैं। कई लोगों तो यहाँ पे आने के बाद वापस भी जा चुके हैं। तो दोस्तों आज इतना ही। हमारे चैनल पे जो लोग नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई बात कहनी है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज टाइप करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।